ऐसे ही वीडियो बनाना है। सभी साथियों के नमस्कार, हुल जोहार। आज तो जान रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन है और ये पेपर में दिया है। पहले पेपर में नहीं, सबसे पहले बात करते हैं कि गिरफ्तार कर दिया गया है हमारा जो साथी है देवेंद्रनाथ महतो, जो है क्रांतिकारी है, उसको गिरफ्तार सरकार कर लिया है। जो कि रात में 12 बजे रात में मेरा रूम से देवेंद्रनाथ महतो को उठा लिया जाता है। कहीं न कहीं सरकार डर गई है और छात्र अब आकर्षित में और आ जाएंगे, क्योंकि गलत नीतियों के वजह से सरकार जो है डर रही है। और जो हम लोग का कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है, और जो है पुलिस के माध्यम से रात में 12 बजे आता है पुलिस रूम और दरवाजा खटखटा के छात्र नेता क्रांतिकारी जो है देवेंद्रनाथ महतो को उठा लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं इसका साजिश के तहत उठाया गया है और कोई जुर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया है। एकमात्र सोए हुए थे, दिन भर थके हुए व्यक्ति को दो दिन से खाना नहीं खाया है और उस क्रांतिकारी को उठाया जाता है। ये दुखमय की बात है कि झारखंड सरकार डर गई है। अगर एक देवेंद्र को उठा लीजिएगा तो हजारों लाखों देवेंद्र खड़ा होगा इस झारखंड के पावन धरती में। आप सोचिए कि गलत नीति अगर आप नहीं बनाते तो हम लोग उग्र नहीं होते, लेकिन आपका गलत नीतियों की वजह से छात्र आज परेशान है। उसके बाद आइए दिखाते हैं कि ये जो सदन में बोले सीएम बिहार यूपी के लोग साजिश के तहत झारखंड के हित की नीतियों को ले जाते हैं कोर्ट, और ये देख सकते हैं ले जाते हैं कोर्ट। हम ये चीज पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के, जो रमेश हांसदा है, जो झारखंडी है, स्पेशल झारखंड की ही रहने वाला है, कोई यूपी बिहार किसी की नहीं है, आप ऐसा नियम क्यों बनाते हैं जो कि आपका कोर्ट ले जाता है। आप ऐसा नियम बनाइए ना जो बाहरी राज्यों की इसमें कोई किसी का ही नहीं है। आप ऐसा नियम बनाइए कि बाहरियों का कोई इसमें नियम का कोई मायने मतलब नहीं। आप नियम सही बनाइए ना, बाहरी क्यों या कोई क्यों ले जाएगा कोर्ट। आप छात्र के हित में बनाइए। और स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, सब विधानसभा सत्र चल रहा है, सब विधानसभा सत्र बंद होके स्पेशल स्टूडेंट के हित में चर्चा होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के हित में चर्चा होता है तो विकास के माध्यम होगा। कितनों योजना कुछ भी कर लीजिए, करोड़ों लाखों के रोड पास करवा लीजिए, क्योंकि उस काला धन से आदमी कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, खाली केवल छात्र ही, छात्रों का मूर्ख बनाया जा रहा है, इसलिए छात्र के साथ धोखा दिया जा रहा है। इसलिए छात्र को स्पेशल विधानसभा सत्र रख के केवल छात्रों का हित में बात होना चाहिए विधानसभा में, और किसी के बात नहीं होना चाहिए। और ऐसा नियम आप मत बनाइए। और आप बोल रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग कोर्ट ले जाते हैं, सब यहीं के लोग ले जा रहे हैं कोर्ट, क्योंकि आप गलत नीति बना रहे हैं। आप ऐसा नीति बनाइए ना माननीय मुख्यमंत्री साहब कि बाहरियों को या यहाँ के लोगों को कोर्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बार बार जो है कैबिनेट बैठक करते हैं, महीना में 15 बार 20 बार उस कैबिनेट बैठक में क्या निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री साहब, क्या निर्णय लेते हैं? एक नियोजन नीति सही से छात्रों के हित में नहीं बना सके हैं, और आप बोलते हैं कि हम मूल निवासी आदिवासियों को हम नौकरी दे रहे हैं। ये सरासर गलत है महोदय। आप जो है, हम लोग भी यही कि हम लोग खुशी जाहिर होता है कि आप मूल माननीय मुख्यमंत्री साहब कि आप यहाँ के रहने वाले और मूल आदिवासी हैं। अगर आप जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब झारखंड के छात्रों के हित में नियोजन नीति और सीजल के एग्जाम, दरोगा के एग्जाम, 5 साल में छूट, तमाम जितने भी बहाली है, अगर आप 6 महीना के अंदर क्लियर नहीं करते हैं 5 लाख बहाली, जो नागिन जो है 3 डिसमिल के जमीन के अंदर नाच रही है ना, आप नागिन के साथ 3 डिसमिल के जमीन नाचेगा 2024 में? सोच लीजिए मुख्यमंत्री, जब छात्र जो है ना एक वायु या आंधी का रूप ले लेता है ना, तो वायु और आंधी जो है दुनिया के किसी भवन, तब तालाब, भव, वो भी चारों दिशा के चारों कोना में वायु जो है तहस नहस पूरा देश और शहर को कर देता है। इसलिए कि आप सोचिए, छात्र जो है वायु या आंधी बन गए हैं, आप छोड़ेंगे नहीं। और सभी छात्रों से निवेदन है कि आज 21 तारीख दिन बुधवार है, सभी को पुराना विधानसभा आए,
और सभी को इस योजना का मतलब जो हम लोग का छात्र हित के में जो रैली निकल रहा है इसको सफल बनाए और हम लोग का ये सफल बनाए और जो है हम लोग का जो है नौकरी जल्द से जल्द लगे। हम लोग कोई नेता विधायक मंत्री नहीं बनाए हैं, हम लोग को बाथरूम साफ करने वाला, झाड़ू साफ करने वाला या जो नौकरी देते हैं आप जल्द से जल्द लॉन्च कीजिए और जो बाहरी आया है सब उसका एग्जाम लीजिए और जल्द ही नियोजन नीति बनाए। और उसी के लिए आप सभी छात्र डरना नहीं है छात्र, क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो एक ले गया तो हजारों आज पैदा हुआ है देवेंद्रनाथ महतो के लिए और पैदा होंगे और उसके लिए खड़ा भी है। आप कितना देवेंद्रनाथ महतो को उठा के ले जाइएगा हम देखते हैं कितना के ले जाते हैं। सभी छात्रों से निवेदन है कि डरना नहीं है, सभी राज्य 2400 जिला से आना है यहाँ और 50,000 का टारगेट है भीड़ का, 50,000 टारगेट आना है और सभी व्यवस्था के साथ इसका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक से करना है, कोई उग्र नहीं करना है और पूरा देश में ये दिखाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब झारखंड के हित में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप पड़ोसी जिला बिहार में जाए, कल का पेपर में दिया 55,000 सीधे बहाली जिला पुलिस होगा, दरोगा दो बार आ गया, सभी वहां बहाली हो रहा है, पड़ोसी जिला में लटका हुआ है मामला, क्या मामला है आखिर का। और माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि यूपी बिहार वाले कोर्ट ले जाते हैं सब, रमेश हरदा कहां थे यही के थे। आप ऐसा नीति क्यों बनाते हैं कि बाहरी ले जाता है यहां के ले जाता है, आप यहां ऐसा नीति बनाइए ना ताकि कोई हिला नहीं सके आपको। और सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो का आप टेंशन मत लीजिए, दूसरा देवेंद्र खड़ा है, तीसरा देवेंद्र खड़ा है आपके बीच में, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग को सफल आंदोलन बनाना है। ये असफल आंदोलन के लिए आज ये सरकार रची है और पुलिस उठा के ले गई है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आपके बीच में हम खड़ा है अपना अधिकार के लिए, क्योंकि हमको एग्जाम देना है और इसमें कोई नेता विधायक मंत्री का इसमें कोई नहीं आना है ना कुछ करना है। सभी साथियों को फूल जोहार, सभी को आएगा, दादा दीदी नाना नानी जितना है बाप माए सब इसमें सब आंदोलन में भाग लेना हम साथी और अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और सबके सोचना कि हम खुद अपने आप लीड कर रहा ली, ठीक हो, सबके जोहार और जरूर अरिये ताकि माननीय मुख्यमंत्री साहब एक दिन विधानसभा में स्पेशल छात्र के हित में नियम बना सका है। सभी के जोहार और जरूर रहिया।